जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका तेज एंसर मिशन में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को एनसीसी न्यू एडमिशन एग्जाम 2021 का फोर्थ मॉडल पेपर बताऊंगा। फोर्थ मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैंने तीन मॉडल पेपर अपलोड कर दिए, तो जिन लोगों ने अब तक याद नहीं की हो आप लोग तीनों मॉडल पेपर जल्दी से याद कर लें, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही मोस्ट वीवीआई है। और ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं आपको अभी मॉडल पेपर्स में बता रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए आपके न्यू एडमिशन में, सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आपको सारे याद करने पड़ेंगे अच्छे से। और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको कोई भी क्लास हो, लाइव क्लास हो, वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का सारा क्वेश्चन ही मोस्ट वीवीआई है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और ये सारे भी पूछे गए ही क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा। और कल मॉर्निंग में मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें एनसीसी का एडमिशन कैसे होता है, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलता है, क्या नहीं मिलता है एडमिशन का टाइम, सारा कुछ मैंने कल के वीडियो में बता दिया, आप देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी में कौन कौन सी रैंक होती है? आप एनसीसी एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मतलब एनसीसी से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन। एनसीसी में कौन कौन सी रैंक? तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो आपको जानकारी तो होगी नहीं, और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा फर्स्ट लांस कार्पोरल, इसको LCPL भी शॉर्ट में बोलते हैं। सेकंड कार्पोरल, शॉर्ट में उसको CPL बोलते हैं। थर्ड है सार्जेंट है, जिसको SGT बोलते हैं। फोर्थ है अंडर ऑफिसर, जिसको शॉर्ट में EO यानी अंडर ऑफिसर उसका शॉर्ट फॉर्म है। और लास्ट है सीनियर अंडर ऑफिसर, जिसको SUO भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये पांच रैंक है एनसीसी के, लांस कार्पोरल, कार्पोरल, सार्जेंट, अंडर ऑफिसर और सीनियर अंडर ऑफिसर। तो आप सारे अच्छे से याद करोगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही मोस्ट वीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी का सबसे छोटा और बड़ा रैंक बताए। तो आर्मी का सबसे छोटा रैंक सिपाही का होता है और बड़ा जनरल का। आप ये सब नोट भी कर सकते हो, नहीं तो मैंने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक तो मैंने उसमें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जिन लोग जो भी ऐड हुए उनको मैंने सेंड कर दिया था। आप लोग अच्छे से वेबसाइट से याद कर लेना, ठीक है? वैसे वीडियो से भी आप देख लेना सारे क्वेश्चन आंसर बढ़िया से, फिर वेबसाइट से रिविजन कर लेना। बाकी क्लास में तो मैं रिविजन कराता ही हूँ क्वेश्चन आंसर। तो सबसे छोटा रैंक आर्मी का सिपाही और सबसे बड़ा जनरल, यानी सबसे छोटा सोल्जर और सबसे बड़ा जनरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? अभी वर्तमान में 2021 में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। अगर 22-23 वाले देखेंगे तो आप उस टाइम सर्च कर लेना, देख लेना। नेक्स्ट है फोर्थ, भारत के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो अभी वर्तमान में मुख्य सचिव राजीव गौबा जी है, मुख्य सचिव राजीव गौबा। आप अच्छे से नाम याद कर लेना, ठीक है? ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने आपको बताया है ना सारे वीडियोज में, क्लास में रोजाना बताता हूँ कि मंत्रिमंडल से पूछते हैं, करेंट अफेयर से पूछेंगे वो सब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, DRDO ने इंडियन आर्मी को हाल ही में कौन सी मशीन दी है? तो DRDO ने अभी हाल ही में इंडियन आर्मी को भारत ड्रोन नामक मशीन दी है, भारत ड्रोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां है? ये तो पहले भी क्लास में करा सको, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, आप एनसीसी क्यों लेना चाहते हैं? ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है और बार बार रिपीट होता है, हमेशा ये पूछा ही जाता है। इसमें होगा हमें देश की सेवा करने का मौका मिलता है, सेना भर्ती प्रक्रिया में छूट मिलती है, हमें अनुशासन में रहना सिखाया जाता है और समय के पाबंद रहते हुए कठिन परिस्थितियों का सामना करना सिखाया जाता है। ये इसलिए कोई स्टूडेंट्स एनसीसी ज्वाइन करना चाहता है। तो आप ऐसे पॉइंट सिस्टम में आंसर लिखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म लिखे। फर्स्ट है LO, LO का फुल फॉर्म होता है लाइजन ऑफिसर, लाइजन ऑफिसर। सेकंड है PIN, पिन का होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर पोस्टल इंडेक्स नंबर, तो दोनों में से आप कोई भी लिख देंगे। नेक्स्ट है DM, DM का होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है IIT, IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट CDS, CDS का फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब फुल फॉर्म्स भी सारे याद कर लोगे, ये सब जनरली पूछे जाने वाले फुल फॉर्म्स है।
आगे सारे क्वेश्चन बीबीआई आपको बताया हूँ, वीडियो का लास्ट तक देखना, फिर लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे आज का आपका कैसा लगा मॉडल पेपर। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? अभी वर्तमान में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण है, यानी 2021 में। 22 वाले अगर इस मॉडल पेपर को देखेंगे तो आप उस समय लेटेस्ट में सर्च कर लेंगे, वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो थल सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है, फिर से फुल फॉर्म लिखे, दो बार पूछा गया फुल फॉर्म्स। फर्स्ट है इसरो, इसरो का फुल फॉर्म होता है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है डीआरडीओ, जो अभी क्वेश्चन आया था ना कि डीआरडीओ ने भारत को कौन सी मशीन दी है हाल ही में, तो भारत ड्रोन दिया था। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये डीआरडीओ का फुल फॉर्म, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप अच्छे से सारे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? युवा दिवस हम लोग 12 जनवरी को, यानी 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राज्य राजधानी लिखे, बहुत लोगों को ये भी नहीं याद होता। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गोवा की राजधानी पणजी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, झारखंड की राजधानी रांची, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तो ये आपका राज्य राजधानी हुआ। नेक्स्ट है, चार केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटोरीज का नाम लिखे, केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखना, इसमें मैंने आपको उसकी राजधानी भी बता दी है। फर्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। थर्ड है जम्मू एवं कश्मीर, तो ग्रीष्मकाल यानी गर्मी के दिनों के लिए जम्मू एवं कश्मीर टेरिटोरीज का, अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा, मैंने आपको बताया ना क्लास में, अब ये टेरिटोरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी अगर पूछे तो आपको दो लिखना होगा, ग्रीष्मकाल के लिए श्रीनगर है ग्रीष्मकाल के लिए, और शीतकाल के लिए यानी ठंडे के मौसम के लिए जम्मू, इसकी दो राजधानी है, ठीक है, वो मौसम के अनुसार है। नेक्स्ट है फोर्थ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती। फिफ्थ है राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है, और एक नया बना है टेरिटोरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दो बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह है। नेक्स्ट है सेवेंथ पुडुचेरी, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है, और एट्थ है यानी लास्ट, टोटल 8 टेरिटोरीज है, मैंने आपको बताया था ना, तो कुछ लोग हैं जो कि 9 और 7 करते रहते हैं। तो दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव का, इसका राजधानी दमन है, पहले ये दोनों दो थे, दादर एवं नगर हवेली एक था और एक अलग दमन एवं दीव था, बट अभी दोनों एक हो गए, तो इन दोनों की राजधानी दमन है। अभी टोटल 8 टेरिटोरीज है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, तो आप सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कर लोगे। और मेरा एक गेमिंग चैनल है तेजस लाइट गेमिंग, मैंने आपको क्लास में भी बताता हूँ, तो जो लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने वहाँ पे होम पेज पर ऐड कर दिया, आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो आपको नहीं मिले तो आप सर्च कर लेना, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम लोग इस पर अभी पबजी वाला गेम अपलोड करते हैं और थोड़े दिनों के बाद एक फ्री फायर का हम लोग चैनल बनाएंगे, फिर आपका आर्मी की क्लासेज होगी, तेजस एनसीसी आर्मी के थ्रू आपकी आर्मी की क्लासेज रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी। आप लोग मेरे गेमिंग चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, और हम लोग आर्मी और एनसीसी मोटिवेशनल वीडियो भी बनाएंगे, तो बहुत जल्द वो भी चैनल हम लोग शुरू करेंगे। तो प्लीज़ जो लोग, जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है सब्सक्राइब, आप लोग मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब भी आपका फ्री टाइम होगा आप वीडियो को फुल वीडियो प्ले करना, क्योंकि गेम हम लोग काफ़ी इस पर अच्छा अच्छा गेम डालते हैं, अभी तो नया बनाया हूँ, 2-3 गेम ही अपलोडेड है। आप लोग गेम को प्ले करके फिर लाइक और कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर यानी 5th मॉडल पेपर अपलोड करूंगा अब इसके बाद, तो आज के लिए इतना ही।